मैं आपका आह्वान करती हूँ। इस कार्य में आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। कालिका, शुंभ और निशुंभ ने जगदम्बा दुर्गा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। चंड और मुंड अपनी सेना के साथ चल पड़े हैं और इस संग्राम में दानव श्रेष्ठ रक्त बीज के आने की संभावना है। उसे किसी न किसी से सूचना अवश्य प्राप्त होगी। आपके इस संग्राम में भाग लेने से उनकी इच्छा और उनके युद्ध की प्यास पूर्ण होगी तथा उनके वध से आपकी मुंडमाला बन जाएगी, जैसी आदिशक्ति की इच्छा। हे जगदम्बे, मैं चलती हूं। हे भवानी रूपा दुर्गे, आप यहीं विश्राम कीजिए। मैं मार्ग ही में चंड और मुंड को रोक दूंगी, क्योंकि वे दानव सेना के साथ नरसंहार करते चले आ रहे हैं। हमारे महामंत्री धूम्रलोचन को जलाकर मार डाला? नहीं, ईश्वर को धन्यवाद दो कि मैं नहीं थी। मैं तो तुम्हें यह कहने के लिए आई हूं कि महादेवी दुर्गा को शुंभ और निशुंभ के दो मस्तक दे दो और अपने प्राण बचाकर पाताल लोक भाग जाओ। मुंड, सुना तूने? ये स्त्री क्या कह रही है? देख क्या रहे हो? इसे अपने रास्ते से हटा दो। मैं चलकर उस स्त्री को रोकता हूँ जिसे लाने की आज्ञा मुझे प्राप्त हुई है। मुझे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ जाओगे? चलो सैनिकों, आगे बढ़ो। We'll be right back.
अच्छा ये बात है, तो अब हम तुम्हें अपनी माया दिखाते हैं। लगता है देवी काली का सबका संहार करके यहां पहुंच रही है। हे महादेवी, कालिका की ओर से भेंट स्वीकार कीजिए। ये चंड और मुंड के सिर हैं। ये दानव यदि ना मरते तो ये सारी मानवता का नाश कर देते। हे देवी कालिका, इन दोनों के कटे हुए सिर देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये इन दैत्यों के सिर नहीं, पाप तथा अत्याचार के सिर हैं। आपने चंड और मुंड जैसे विनाशकारी दैत्यों का वध करके सारी मानवता को इनके अत्याचारों से बचाया है। इसीलिए आज से ये सारा संसार आपको चामुंडा के नाम से पुकारेगा। धन्यवाद राज राजेश्वरी।
इन मुंडों की मैं माला बनाऊंगी और मुंड माल पहनूंगी। महादेवी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तो केवल दानवों के मस्तक चाहिए। मैं सारे संसार से दानवों का अंत कर दूंगी। यहां केवल इनके शरीर आए हैं, सिर कहां है इनके? वो क्यों नहीं आए? दानव सम्राट, दानव सेना और दानव वीर, चंड और मुंड का वध करने वाली वो स्त्री सुंदर नहीं, काली है काली। उसने इनके सिर काटकर कहा कि अब मैं मुंड माल पहनूंगी। पहले धूम्रलोचन, अब चंड और मुंड, और इसके पश्चात ना जाने कितनी और चिताएं जलानी होंगी आपको। देखा दानव सम्राट, आपने अपनी भूल का परिणाम? नहीं दानव श्रेष्ठ, नहीं। चंड और मुंड का वध करने वाली वो स्त्री नहीं, वो तो अति सुंदर है। और ये काली, अब उस स्त्री के समक्ष क्या परिणाम आने वाला है, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। चंड और मुंड का वध करके उसने दानव सम्राट शुंग को चुनौती दी है, और मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता हूं। नहीं दानव सम्राट, नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। अभी रक्त भी जीवित है, मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार दानव वीरों का रक्त बहाया जा रहा है। मैं स्वयं देखूंगा, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारी सृष्टि में हाहाकार मचा दूंगा, मैं प्रलय बनकर टूटूंगा, मेरे भयानक आक्रमण से सारा ब्रह्मांड त्राही त्राही कर उठेगा। जब तक मैं विजयश्री प्राप्त करके लौट नहीं आता, आप और दानवीर निशम यहीं से सैन्य संचालन करेंगे। आओ दानवीरों मेरे साथ। विदा महाराज शुंभ, विदा। काल के मुख में समाने के लिए बहुत से दानव आ रहे हैं, किंतु वो तो अब भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो इन्हें ही आने दो। हे महाकाल, कालिका की ये भेंट स्वीकार हो। यही है वो स्त्री जिसने दानवीर चंड और मुंड का वध किया, किंतु मैं रक्त बीज हूं। इसके साथ पहले मायावी युद्ध होगा, क्योंकि इस स्त्री में भी मायावी शक्तियां हैं, जो इसके शरीर और आकार को देखकर पता चलता है। अभी तो तुमने केवल आकार ही देखा है, संहार की क्षमता नहीं देखी। दानवों में श्रेष्ठ कहलाते हो और उसे छिपाकर आए हो, जिसके कारण इतने दानव मारे जा रहे हैं। अधिक प्रलाप ना कर, अभी तेरी शक्ति की परीक्षा हो जाएगी। मुझे शब्दों से भयभीत करने का प्रयास ना कर। मेरा नाम रक्त बीज है, मैं चिता से उत्पन्न हुआ हूं,
और सारी धरती और पूरे ब्रह्मांड को चिता में बदलने आया हूँ। तुम इसके अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हो? संसार में तुम जैसे व्यक्ति यदि जन्म ना लेते तो लोगों को कदाचित शांति के अर्थ का ज्ञान ही नहीं होता। रक्त बीज दूसरों की चिताएं सजोने में अपनी चिता के लिए स्थान निश्चित करना मत भूलना। कोई भी व्यक्ति केवल एक बार ही चिता में जाता है और मेरे अतिरिक्त पूरे संसार में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जो चिता से ही उत्पन्न हुआ हो, जिसे चिता से ही जीवन प्राप्त हुआ हो। दानवीरों, ये स्त्री दया या क्षमा के योग्य नहीं है। टूट पड़ो इस पे। मैं तेरी सारी मायावी शक्तियों को समाप्त करता हूँ। तेरे बिना तो मेरी मुंड माल पूरी ही नहीं होगी। रक्त बीज
हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। क्या हुआ? आप सारे देवगण अपने परिवार सहित इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे देवी भगवती, देवी काली और रक्त बीज के बीच भीषण संग्राम चल रहा है, और रक्त बीज के रक्त से इतने बीज उत्पन्न होते जा रहे हैं कि यदि उन्हें रोका ना गया देवी, तो इस सारे संसार में रक्त बीज ही रक्त बीज होंगे। आप चिंता ना कीजिए, संहार के आवेश में
कदाचित देवी काली को इसकी सुध ही नहीं होगी। हे देवगण, आप निर्भय हो जाइए, मैं स्वयं वहां जा रही हूं। के इस प्रकार तो ये रक्त बीज कभी समाप्त नहीं होंगे। मैं इनका वध करना आरंभ करती हूं, आप इनका रक्त अपने खप्पर में ले लीजिए, इनका रक्त धरती पर ना गिरे, तभी ये समाप्त होंगे। अति उत्तम, मैं इन दानवों का रक्तपान करूंगी, रक्तपान करूंगी। तब मरेगा जब इसके शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा, पर ध्यान रहे रक्त की एक भी बूंद धरती पर ना गिरने पाए। ऐसा ही होगा।
के लिए रक्त बीज का ये मुंड मैं तुझे भेंट करती हूँ। मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे दानवों के मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड। हे शिवा, हे कालिके, रक्त बीज का वध हो चुका है, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए।